ये दूसरी बोट जा रही है यहाँ पे। इतना बड़ा डैम है कि नज़र ही नहीं पहुँच पा रही है यहाँ पर। ये है नानक मत्ता के अंदर कुआं, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत गहरा है। अच्छा, हाथ पांव धो के खाली हम नीचे जा रहे हैं। मम्मी डर लगने थोड़ी, नीचे पहुंच चुके हैं हम कुएं के पास। ये कुआं है, पुष्पा दीदी देखिए वहां से बारिश भी हो रही है, देखो। ये अभी घूम रहे हैं हम, बाहर बारिश होने लग गई है यहाँ तो। अभी हम जो है यहाँ से अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ जितना देखना था हमने देख लिया है। हाँ, और शेयर भी करना, बोलो। तो दोस्तों अभी जो है बारिश लगने लग गई है, अब हम जो है थोड़ा नानक मत्ता सागर से तरह वापस जा रहे हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा गुरुद्वारा की तरफ। तो ये देखो दोस्तों, नानक मत्ता का पूरा व्यूज दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, टेस्टी हो रहा, नहीं हो रहा है? कैसा हो रहा है फिर? खट्टा हो रहा है, मीठा हो रहा है, कुछ तो बता। मीठा हो रहा है, घबरो घबरो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, घबरो। अब यहाँ पर से मम्मी थोड़ा मिट्टी के बर्तन ले रही है और आप लोग देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन कब इतने प्यारे हैं कि पूछो मत। तो सही शुद्ध है जमुन जी, हम दही जमाएंगे। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं नानक मत्ता के गुरुद्वारा में और यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ का आपको थोड़ा बहुत व्यूज दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जूता चप्पल उतारने की जगह है। ये जो पीपल का पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ये गुरु नानक द्वारा लगाया गया है। तो दोस्तों वैसे तो गुरुद्वारा में जो है सभी कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट लगा मुझे वो है यहाँ की फिश मछलियाँ। और ये रहा गुरुद्वारा का सबसे प्यारा नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।